रियासत के सामने हथियार डालने तक दहशत गर्दों का पीछा किया जाएगा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने दो टोक पैगाम दे दिया। गुज़िश्ता रोज 6 जवानों की शहादत के बाद सिपासालार आसमान मुंजा के मुकाम शरौंगी पहुंचे और इलाके का दौरा किया। जवानों के गैर मुतज़लज़ल अज़्म को सराहा। जवानों से बातचीत कर चीफ ने कहा कि शहदा हमारा फ़ख्र है। पाकिस्तान में अमन इस्तेहकाम की बहाली के लिए शहदा की कुर्बानियाँ रायगान नहीं जाएंगी। दुश्मन के एजेंडे के तहत पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने वाले दहशत गर्दों और उनके सहूलतकारों का पीछा किया जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आप लोग इस मुल्क पाकिस्तान में आजाद हैं। सहाफती उसूलों पर कारबंद, बोल न्यूज ने रखी रिवायत बरकरार। बोल न्यूज की जानिब से देखने वालों को यौम आजादी की बेहद मुबारकबाद। मुल्क भर से जश्न आजादी की तकरीबात बोल ने दिखाई अपनी स्क्रीन पर। पाकिस्तान के 76वें यौम आजादी का जश्न, बोल ने सुनाई पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों की गूंज। बोल की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन में पाकिस्तान का नाम रोशन करने वालों ने दिए कौम को पैगामात। बेपनाह मुश्किलात का सामना करके इस मुल्क को हासिल किया। आजाद कौमों को बहुत सी कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। 76 वालों में आजादी का दिन जोश खरोश के साथ मना रहे, क्योंकि जिंदाबाद पाकिस्तान, ये है बोल की पहचान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।